हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एम सी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एप्सन प्रिंटर में एल सीरीज 8050 मॉडल है, और ये प्रिंटर जो है पीवीसी कार्ड के लिए ही आया है, और ये एल 805 की जगह में आया है, और इसकी जगह में एक और आया है एल 1850 है। फिलहाल हम इस प्रिंटर के बारे में आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड, जैसे कि हमारे पास प्रिंटर है और हम इसमें आज समस्या को सुलझाएंगे, और हम इसमें पावर ऑन कर रहे हैं। तो ये मैंने पावर लगा दिया है और अब हम प्रिंटर को ऑन करेंगे। तो जैसे कि हमारा प्रिंटर बिना ऑन किए हुए ऑन हो गया है, कोई बात नहीं, इंतज़ार करेंगे। अब फ्रेंड, जैसा कि देख रहे हैं कि एक लाइट जो है इंक वाली ब्लिंक कर रही है, और दूसरी लाइट है ये टूल्स वाली ब्लिंक कर रही है, यानी इसको मेंटेनेंस का जो है आ रहा है लोगों, तो आर वन बाई वन जल रही है और ये स्टेबल रहती है। अगर इस प्रकार आपके प्रिंटर में हो रहा है तो इस प्रिंटर में जो है मेंटेनेंस बॉक्स का ख़त्म हो गया है। तो मेंटेनेंस बॉक्स कहाँ होता है इसके बारे में पहले जान लेंगे। तो पहले हम कंप्यूटर में चेक कर लेंगे। तो अगर आपके कंप्यूटर में इस प्रकार मैसेज आएगा, और हम कंप्यूटर में आपको दिखा रहे हैं मैसेज कि कैसे आता है और कैसे चेक किया जाता है, तो चेक किया जाता है। तो हम जाते हैं यहाँ पे आपके डिवाइस एंड प्रिंटर पे, और डिवाइस एंड प्रिंटर में जाने के लिए हम क्लिक कर दिए हैं, और यहाँ पे एल 8050 है एप्सन का, इसमें क्लिक करके और इसका मॉनिटर स्टेटस चेक करेंगे। तो प्रिंटिंग परफॉर्मेंस में जाएंगे, और हमारा विंडो 7 है इसलिए प्रिंटिंग परफॉर्मेंस यहाँ से दिखा रहा है, और मेंटेनेंस के अंदर जाएंगे। आपको भी मेंटेनेंस के अंदर ही जाना है, और यहाँ पे एप्सन स्टेटस मोनिटर को में क्लिक करना है, और जैसा कि देख रहे हैं मेंटेनेंस बॉक्स एट द एंड ऑफ सर्विस लाइफ दिखा रहा है, और ये मेंटेनेंस बॉक्स नंबर होता है यहाँ पे 9345 C9345, और यहाँ पे बता रहा है कि हम बिल्कुल चलने के लिए रेडी नहीं है और मेंटेनेंस बॉक्स चेंज कीजिए। अगर आपका ये मॉनिटर स्टेटस बंद आ रहा हो तो आपको इस प्रकार यहाँ से एक्सटेंडेड सेटिंग में जाना है, और यहाँ से मॉनिटर स्टेटस प्रोग्राम मीटर और इनेबल स्टेटस मॉनिटर 3 को क्लिक करके टिक करके और ओके कर देना है, तो ये आपको मॉनिटर स्टेटस ऑन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हम इस मान लीजिए आपको लगता है कि हमारे सॉफ्टवेयर से भी ये रीसेट हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर से रीसेट नहीं होता है, इसमें मेंटेनेंस बॉक्स को बदलना होता है या चिप बदलना होता है। तो आइए हम मेंटेनेंस बॉक्स को भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है किस प्रकार चेक करेंगे। हम हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है और हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, इंडिया का सॉफ्टवेयर है, और हम इसे चेक करेंगे। ये देख लीजिए एल 8050 है और ये EPIL चलता है इंडिया में, और यहाँ पे हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। और अब यहाँ से हम जाएंगे प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, एल 8050 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ओके बटन में क्लिक करेंगे और पार्टिकुलर एडजस्ट मोड में जाएंगे, और यहाँ पे इसका जो है RMA नंबर डालेंगे, तो हम इसमें RMA नंबर डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको बेस्ट इंक पैड काउंटर में जाएंगे, बेस्ट इंक पैड काउंटर में डबल क्लिक करेंगे यानी ओके करेंगे, और यहाँ पे मेंटेनेंस बॉक्स है, ये रीसेट आप नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ पैटर्न पैड काउंटर और इंक सिस्टम पैड काउंटर रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि हम चेक करेंगे यहाँ पे, देखिए हमारा जो मेंटेनेंस बॉक्स है वो फुल भरा हुआ है, और यहाँ पे 100% भरा दिखा रहा है, और यहाँ से इंक सिस्टम पैड काउंटर जो है वो 104.2% भरा हुआ है, और ये क्लिक नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे, तो रीसेट आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनिशियलाइज में क्लिक करेंगे, देखिए हम सिर्फ इंक पैड सिस्टम काउंटर आप रीसेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते।
देखिए हमने इंक पैड रीसेट कर दिया है और अभी मेंटेनेंस बॉक्स जो हमारा है वो भी रीसेट नहीं हुआ है। फिर से आपको चेक कराता हूँ। देखिए हमारा जो इंक पैड सिस्टम रीसेट हो गया है और मेंटेनेंस बॉक्स रीसेट नहीं हुआ है अभी। तो फ्रेंड्स आप जो है सॉफ्टवेयर से आप अपना मेंटेनेंस बॉक्स रीसेट नहीं कर सकते हैं। इसको इसका सलूशन ये है कि इसका मेंटेनेंस बॉक्स हम चेंज करें। तो चलिए हम आपको मेंटेनेंस बॉक्स को चेंज करके और चिप चेंज करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास है जो प्रॉब्लम आ रही है हम इसको सही करेंगे। तो ये हमारे पास चिप है और यहाँ पे मेंटेनेंस बॉक्स होता है। इसको आप ओपन करेंगे, ओपन किए और यहाँ पे ये मेंटेनेंस बॉक्स है यहाँ पे। और इसको अनलॉक कर निकालने के लिए ऐसे नहीं निकलता है, इसको पहले अनलॉक करना होता है। तो इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ये चीज़ पहले बाहर आ जाती है ऐसे। और फिर ये मेंटेनेंस बॉक्स को पीछे खिसकाना है, तो इसको हम पीछे खिसका दिए देखिए, और ये बाहर ऊपर उठा लेना है। अभी हमारा जो मेंटेनेंस बॉक्स बाहर आ गया है। अब मेंटेनेंस बॉक्स में इसके अंदर ये फार्म है, ये फार्म इसको निकाल देंगे। अगर फार्म आपको लगता है भीग गया है तो आप बदल दीजिए, रुआ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप इस चिप का मेन काम है, इस चिप जो मैसेज करती है वो मेंटेनेंस बॉक्स फुल का ये चिप मैसेज करती है। इस चिप को हम रिप्लेस कर देंगे बस। तो हम इस मेंटेनेंस बॉक्स चिप को निकालेंगे। देखिए जैसे आप लगी हुई है वैसे आपको निकालना है। ये मैंने ये फर्स्ट टाइम अनलॉक हो रहा है इसलिए बहुत प्यार से निकालना है। देखिए हमने इसको निकाल दिया है और बस हमारे पास एक चिप है। ये मैंने हमारे पास एक चिप है नई और हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। जैसे आपने निकाला है वैसे आपको सेट करना है। ये मैंने सेट कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका ये भीग गया है तो आप इसके अंदर फार्म है बदल दीजिए, और नहीं तो नहीं। अगर भीगा हुआ ज़्यादा नहीं है तो इसको आप वापस डालिए इसमें और ये बंद कीजिए। और इसको कैप को आप फिट कर दीजिए। और ये जो मेंटेनेंस आगे दिखा रहा है ये देखिए, और ये अभी बंद हो जाएगा जैसे हम प्रिंटर को ऑफ करके ऑन करेंगे। यह मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया है। और इंतजार करेंगे कि अब क्या मैसेज करता है। फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं कि हमारा जो अभी ब्लिंक कर रहा था वो बंद हो गया है, और ये जो मेंटेनेंस बॉक्स आ रहा था वो बंद हो गया है। और अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप पे। देखिए हमने इसमें पेपर लगा दिया है। अब हम प्रिंट मारा यहाँ से। देखिए प्रिंटर जो है पेपर उठा रहा है। देखिए हमने ट्रे निकाल दी है और हमारा जो प्रिंटर है वो पेपर ले चुका है। और ये देख रहे हैं हमारा जो प्रिंटर है वो पेपर जो है सही भाग छाप दिया है। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको चिप चाहिए तो आप मुझे फ़ोनपे करके और मुझसे आप चिप अपने एड्रेस में मंगा सकते हैं। स्पीड पोस्ट कुरियर भी कर देते हैं हम। और नीचे दिए हुए आपको लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट आप मुझसे चैट कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।